दुर्ग जिले का सौभाग्य या दुर्भाग्य कहें, जहां तीन मंत्री मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और कृषि मंत्री हैं, उसमें प्रदेश के गृह मंत्री दामोदर साहू कानून व्यवस्था एवं पीडब्ल्यूडी की व्यवस्था बनाने में पूरी तरह से विफल नजर आ रहे हैं। ये आरोप आम आदमी पार्टी ने पत्रकार वार्ता में लगाया है। प्रदेश की जनता को भी नमस्कार। बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है आज कि दुर्ग जिला, मैं सौभाग्यशाली ही कहूँ या फिर मैं समझूँ कि दुर्ग जिले का दुर्भाग्य है कि जहाँ की हमारे दुर्ग जिले से गृह मंत्री, मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री भी दुर्ग जिले से ही, इन्हीं 6 विधानसभा में से 3 विधानसभाओं के हमारे मंत्री होने के बावजूद आज हमारे प्रदेश में और खासकर गृह मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में और दुर्ग जिले में अपराधों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। खुलेआम बदमाश कहीं चैन लूट रहे हैं, कहीं हत्या हो रही है, कहीं लूटपाट हो रहे हैं। इसी मामले में आपको मैं बताना चाहूँगा कि रायपुर जिले में आपके तेलीबांधा थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पे कि गंगाराम मार्कंडे जी थाने में शिकायत करते रहे कि उन्हें कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष तमीर सिंह गर्चा, आकाशदीप सिंह गिल और उनके कई साथियों द्वारा लगातार उनको उनकी जमीन को बेचने के लिए परेशान किया जा रहा है। इसकी शिकायत की सुनवाई क्या इसलिए नहीं हुई कि इनके कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे इसमें से कोई, या फिर कोई और बात थी, या फिर कांग्रेस उनको मदद करना चाहती है कि भाई वो कानून व्यवस्था बनी ना रहे, या फिर जो प्रार्थी था गंगाराम मारकंडे। आपको बता दूं कि बड़े दुख की बात ये भी है कि गंगाराम मारकंडे की शिकायत की ना ही सुनवाई हुई और अंततः उन्होंने 27/4/2022 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसका ये सुसाइड नोट भी है, इसमें सारी चीज़ें डिटेल से लिखी हुई हैं। और कहूँगा कि ये हमारे गृह मंत्री जी के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि उनके क्षेत्र में अपराध से बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया अभी तक। ये बहुत ही दुख का विषय है। साथ ही साथ हमारे गृह मंत्री दामोदर साहू जी पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं। आप लोगों को पता होगा कि उतई पाटन मुख्य मार्ग पर कार्य चल रहा है। इस कार्य के दौरान रोड पर बेतरतीब जो बिजली के पोल पड़े हुए हैं, जिनसे आए दिन लोग टकरा कर, कहीं अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा कि एक आदमी ट्रक के नीचे आकर उसकी मृत्यु हो जाती है सिर्फ वो बिजली के पोल में टकराने की वजह से। क्या ये उनकी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता? क्या इन्हें सिर्फ अपनी राजनीति करनी है? आज चुनाव आ गया है, फिर से इन्होंने प्रलोभन देना चालू कर दिया। मुख्यमंत्री जी भी कहीं पीछे नहीं है। भेंट मुलाकात के बहाने इन्होंने जो एक जनता की समस्याओं को सुनने के लिए एक समस्या माध्यम बना के इन्होंने सभी लोगों के बीच में जाके अपना चुनाव प्रचार का एक तरीका बना रखा है। वहां पर एक लड़की उनसे शिकायत करती है कि सर मेरे ऊपर 4-4 बार हमला हो चुका है, मुझे जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने उसको जवाब दिया कि ये लड़की नेतागिरी मत कर, और उसने